वैसे देखा जाए तो देश में तो चुनावी माहौल है, चुनाव पे चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में काउंसलिंग पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो पूरी काउंसलिंग की कहानी है उसे समझने वाले हैं। आए दिन बच्चों के कमेंट्स भी मिलते हैं कि सर ये पूरी काउंसलिंग की जो कहानी है, जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, प्लीज एक बार समझा दीजिए। तो ये उन बच्चों के लिए है ये वीडियो जो पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं। ये आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपके मानस पटल में पूरा प्रोसेस बैठ जाए और कोई चीज आपसे गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई चीज आपसे दिमाग में मिस ना हो जाए। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, आप अपना कहानी, मैं बोला ये कहानी है तो बेसिकली आप अपना थोड़ा सा कहानी जैसा इंटरेस्ट बना के इसको सुने। आपने अभी तक पूरा क्या किया, अपनी तैयारी करी, फॉर्म फिलअप किया CUTPSC का, फिर आपका सेंटर हुआ तय और आप जाकर वहां एग्जाम दिए, आपका आंसर की आया और आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया। अब आपको आपका मार्क्स पता चल चुका है। यहां तक की कहानी हमारे साथ हो चुकी है, आगे क्या होने वाला है इस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे का जो प्रोसेस है वो है, अब यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करेंगी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मुझसे आया बच्चों के थ्रू कि सर हम लोगों ने जब CUTPSC का फॉर्म फिलअप किया तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटी का ही नाम डाल पाए या एक ही यूनिवर्सिटी का नाम डाल पाया, तो क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि आपको एडमिशन का ऑप्शन नहीं देती है, और वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि आप CUTPSC में उनका नाम और निशान नहीं लिए थे, आप वहां पे कोई क्लिक नहीं किए, उस यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उनको चूज कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। BHU ने उन बच्चों को भी लास्ट ईयर मौका दिया था जो CUTPSC के फॉर्म में BHU नहीं क्लिक किए थे, तो ये जो डेटा होता है ये डेटा मिसमैच होने लगता है, मैच कराने में प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे पहले से चूज किए होते हैं उनका डेटा और जो बच्चे बाद में BHU के पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से लास्ट टाइम इनको मेरिट निकालने में बहुत समय लग गया था, क्योंकि ये डेटा इनको फिर मिलाना पड़ा। तो जिस कारण से 1% बस ऐसा है कि मौका ना दे, बाकी मेरे साइड से ऐसा मौका देते हैं तो नैतिक मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो बहुत अच्छा मौका है। बच्चों को मौका देना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ आइए और आप फॉर्म फिलअप कीजिए। लगभग 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 95% ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि आपको CUT में नहीं क्लिक किए हो तो भी आपको फॉर्म भरने का मौका जरूर देंगे। तो माइंड में ये जो टेंशन बार बार है कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको अपने साइड से क्लियर कर रहा हूं कि ये मौका आपको जरूर मिलेगा, मतलब आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, बस 1-2% होता है ना जो डेटा वाली मामला आता है उसी बस मामला फंसता है, अदरवाइज आपको मौका मिलेगा। अब आगे का प्रोसेस क्या है, यहां तक समझ में आ गया? आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब ओपन होगा तो आप वहां फॉर्म फिलअप करोगे, वहां पे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप वहां अपलोड करोगे, और जब आप, और ये चीजें आप कई यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि हम लोग कुल कितने यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, आपके पास जितना पैसा है उतने यूनिवर्सिटीज में आप कर सकते हो, 40, 50, 60, 70 आपका कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में पैसा लगता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी 1-1 हजार लेता है और कोई यूनिवर्सिटी 200-150 ही लेता है। उसके बाद ये लोग अपने यहाँ कुछ लेट फी या पेड सीट इस तरीके का भी ऑप्शन रखते हैं, यानी कि जैसे BHU में अगर मैं बोलूं कि जिनके मेरिट कम होते हैं उनको पेड सीट पे एडमिशन दिया जाता है। पेड सीट क्या होता है, यानी आपके जो रेगुलर फी होते हैं उससे 10,000 एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे किसी कोर्स में जो फी है वो कितना है BHU में, PG का 5,000 है, लेकिन अगर आपको रेगुलर सीट के साथ पेड सीट ऑफर हुआ है तो 5,000 ये तो आपको देना पड़ेगा उस कोर्स का, साथ ही साथ आपको 10,000 और देना पड़ेगा, और ये 10,000 एक साल के लिए वैलिड होता है, यानी 2 साल का अगर कोर्स है तो 20,000 एक्स्ट्रा, बाकी जो रेगुलर फी होता है वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो 5, 5, 10 टोटल 30,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके के भी ऑप्शंस आते हैं कि अगर आप इनके यहाँ मॉकअप राउंड में जाओगे, आप इनके यहाँ पेड सीट अप्लाई करोगे तो इसके आपके पास आपसे लोग 500-600 एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए अगर कोई बच्चा किसी एक यूनिवर्सिटी में किसी एक कोर्स के लिए जाता है और वो पूरे सर्कमटेंसेस को देखते हुए हर ऑप्शन को क्लिक करता है तो उनको 2,000 रुपए तक देना पड़ेगा लगभग, मैं बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा 10 यूनिवर्सिटी चूज किया तो मान के चलो कि 10,000 रुपए उसका जो है वो खर्चा हो जाएगा, जिसमें लगभग 80% जो मनी है वो नॉन रिफंडेबल होगा। बहुत रेयर केस में ही यूनिवर्सिटी आपका पैसा वापस करती है, कुछ ही यूनिवर्सिटी करती है, बाकी तो करती भी नहीं है। ये काउंसलिंग में पैसा चला जाएगा व्हाट एवर आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहीं पे CUT का मैं अक्सर बोलता हूँ कि डीमेरिट है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आखिर CUT आया कब, क्यों आया,
जब हमें यूनिवर्सिटी में जाके पैसा देना ही है, वट एवर हमें पैसा एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जबकि मेरा लॉजिक ये कहता है कि ठीक है आपके पास कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है काउंसलिंग के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये पॉलिसी जरूर होनी चाहिए कि बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, बस वो एक यूनिवर्सिटी इनसे पैसा लेगी जहां पे इनको फाइनल एडमिशन मिल रहा है। जहां बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है, अप्लाई किया था लेकिन फाइनल एडमिशन आप उन्हें नहीं दिए, तो वो पैसा इनको वापस कर देना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। सपोज कि मैं एक कैंडिडेट हूँ पीजी का और मैंने 5 यूनिवर्सिटी चूज किया हुआ है और उन 5 यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन तो एक ही जगह मिलना है, मुझे एक जगह एडमिशन मिल गया। ऐसे केसेस में 4 जगह के जो पैसे हैं जहां मैंने लगाए थे 2000 2000 2000, वो पैसे मेरे अकाउंट में मुझे वापस आ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि आप काउंसलिंग मेरे यहाँ कराओ, काउंसलिंग का पैसा भी दो, लेकिन अगर हम एडमिशन आपको नहीं दे सके तो आप अपना पैसा वापस ले जाओ। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। वट एवर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया था यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपने क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे। अब यहां से एक बहुत ही पेशेंस वाला जो टाइम है वो आ जाता है, हम लोग अपने मेरिट का इंतजार करने लगते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए हो उन सभी यूनिवर्सिटीज के मेरिट का आप इंतजार करने लगते हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, एचयू हो, बीबीएयू हो, महात्मा गांधी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो। अब वो लोग अपना पोर्टल पे जो है ऑफिशियल लिस्ट निकालते हैं, एक रेंज निकालते हैं, कहीं कहीं पर नाम भी आता है, जैसे बीबीएयू है ना तो नाम भी निकालता है कि हमारे यहाँ ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो नाम निकालते हैं डायरेक्टली, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो एक थ्रेशोल्ड निकालते हैं, एक लिमिट मार्क्स निकालते हैं कि 190 के ऊपर जितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो हमारे यहाँ अब फाइनल पेमेंट करें। तो अभी आपने इनका रजिस्ट्रेशन किया था कि वी वांट्स टू एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी आपका एडमिशन हुआ नहीं है। तो अब सपोज यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उसमें से कोई एक यूनिवर्सिटी हम लोग उठा लेते हैं, वहां पे लगभग किसी कोर्स में 10,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, तो 10,000 लोगों को तो एडमिशन नहीं देंगे। इन 10,000 बच्चों की मेरिट बनाई जाती है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और फिर जो टॉप पे आते हैं सीट के अकॉर्डिंग उनको कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर मतलब उनके कट ऑफ डिसाइड हुए, तो उस कट ऑफ में अगर आप आते हो तब इनके यहाँ जाके आप काउंसलिंग करते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ यूनिवर्सिटी का, तो आपने वहां रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपका मेरिट आया यानी कट ऑफ आया, अगर आप कट ऑफ में हो तो आप फिर से जाके इनके यहाँ काउंसलिंग कराओगे। ऐसा होता है, फिर से काउंसलिंग कराओगे कि हाँ हम इस कट ऑफ में आते हैं और हमें एडमिशन चाहिए। और वो क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस होता है कि आप उनके यहाँ जाके पेमेंट करते हो, उसका पूरा एक पोर्टल बन जाता है, और वहां पे जैसे ही पेमेंट करते हो फाइनली आपको एक रिसीविंग मिल जाती है, चाहे उसे आप एडमिट कार्ड बोलो चाहे एडमिशन लेटर बोलो, और इस तरीके से आपका एडमिशन, आपकी सीट उस यूनिवर्सिटी में फिक्स हो जाता है। यहाँ पे बच्चों का डाउट एक रहेगा कि सर, जैसे कल मैं एक कॉमेंट पढ़ रहा था कि सर फाइनली सपोज कि हमें जेएनयू में एडमिशन हो चुका है, अब जेएनयू के बाद बीएचयू आ रहा है और मुझे बीएचयू में ही एडमिशन लेना है, तो क्या मैं जेएनयू से बीएचयू आ सकता हूँ? आप स्वतंत्र हैं, एक जगह एडमिशन लेने के बाद भी आप 50 जगह एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या होता है। आपको सबसे पहले तो आपको ये काम नहीं करना है, आप पहले से ही माइंडसेट अपना क्रिएट करके रखो, फिक्स करके रखो कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है, क्योंकि अप्रोक्स कटा पता चलने लगता है, आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि हाँ ये 5 यूनिवर्सिटी ट्राई करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप पहले से ही डिसाइडेड रहो कि हाँ इस यूनिवर्सिटी मेरा आएगा तो हम यहाँ अपना एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अब ये चीजें बहुत फिक्स भी नहीं है ना कि एकदम डिसाइड हो ही जाए कि हाँ मुझे जेएनयू मिल ही जाएगा। सपोज उससे पहले कोई और यूनिवर्सिटी का आ गया और उसमें आपने एज ए ऑप्शन अपना एक सीट रिजर्व कर लिया, फिर जेएनयू का आया, अब आप देख रहे हो कि जेएनयू में मेरा एडमिशन हो रहा है, तो आप जेएनयू का पेमेंट भी कर दो और यहाँ पे इनके एडमिशन कमेटी को आप एक मेल करके एडमिशन कैंसिल करा दो, या इनके ऑफिस में विजिट करके अपना एडमिशन कैंसिल करा लो। मेरे पास समझे कि नहीं, जिससे कि ये सीट जब खाली होगा तो किसी और को मिल जाएगा, और ये काउंसलिंग रहते ही करा लो। सपोज कि आज की डेट में आपको बीएचयू में एक सीट मिल गई और 2 दिन बाद जेएनयू में आपकी एक सीट फिर से आ जाती है, आप जेएनयू में जाना चाहते हो, आप पेमेंट कर दिए, जेएनयू आपको मिल गया, तो ऐसे में आप बीएचयू के एडमिशन कमेटी को एक मेल करो या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आके हैंड रिटन एक एप्लीकेशन देके अपना एडमिशन कैंसिल करा लो, जिससे कि ये सीट आगे वाले राउंड में किसी और को बीएचयू दे सके। तो काउंसलिंग की कहानी में हम लोग कहां तक पहुंचे, पोर्टल ओपन होता है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपकी मेरिट बनती है, कट ऑफ आता है, उसके बाद आप उस कट ऑफ में जब आते हो तो आप काउंसलिंग कराते हो और आपका पेमेंट आता है, और पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। अब इस बीच में थोड़े थोड़े प्रोसेस जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे कि
सर हॉस्टल के लिए क्या करना चाहिए? हॉस्टल के लिए जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे लोग एक आइकन देते हैं, आप हॉस्टल चाहते हो कि नहीं, एस नो का, आप वहां पे एस कर देना, बस उसको ऑन करोगे वो एस हो जाएगा, ये लिखना होता है, जिससे उन्हें पता चल जाए कि आप हॉस्टल लेना चाहते हो। लगभग हर यूनिवर्सिटी में इस तरीके का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और कमेंट आएगा मुझे कि सर ये स्पोर्ट्स कोटा का कैसे यूज करना है। यूनिवर्सिटी जो अपने आप पोर्टल ओपन करेगा तो ये लोग अलग अलग रिजर्व सर्टिफिकेट्स के फायदे बताते हैं, जैसे कि कोई बोलेगा हमारे यहाँ एनसीसी जमा करते हो सी सर्टिफिकेट तो 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, ऐसा होता है, तो वहां पे एनसीसी का नंबर डालना रहेगा और वो सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। उसी तरीके से आपसे एनएसएस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, उसी तरीके से स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा का अलग पूरा प्रोसेस ही होता है। आप जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे स्पोर्ट्स कोटा क्लिक करते हो, आप पूरे बच्चों के काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो, आप स्पेशल हो जाओगे। अब क्या होगा, अब इन लोग का एडमिशन चल रहा है, इनका कट ऑफ आ गया, आपको अलग से बुलाया जाएगा, उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, फिर आप जिस गेम से गए वो गेम आपसे खिलवाया जाएगा, फिर उसमें मेरिट बनेगी, आपकी मार्किंग होगी, फिर उसकी मेरिट आती है और उसमें आप सेलेक्ट होते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। और उसमें भी कैटेगरी होती है कि नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए या ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स कोटा जिसके पास है वो जरूर लगाए, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा का अलग एक फायदा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद एक डाउट और बच्चों का रहता है कि सर हमने सीयूटी के फॉर्म में ईडब्ल्यूएस अपलोड नहीं किया या ओबीसी अपलोड नहीं किया अपना और एसटीएससी अपलोड नहीं किया, अब हम लोग यूनिवर्सिटीज में क्या अपडेट कर पाएंगे? आप कोर्स कर पाएंगे। आप यूनिवर्सिटीज जब अभी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट करेगी तो एक तरह से आपके पास एक रिफ्रेश, अलग से ही पूरा प्रोसेस है, आपके पास एक अलग पेज है, ये पूरा एक फ्रेश पेज है, आप यहाँ पे फिर से चीजों को बदल सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था तो यू कैन अपलोड। ठीक है, बहुत रेयर केस में कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो इसको मान्य नहीं करती हैं, और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी को मान्य कर लेंगी। तो ऐसे में आप जरूर ये काम करें, अभी भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, एसटीएससी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसको बनवा लो, क्योंकि ये पोर्टल जब स्टार्ट होगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक डाउट और आता है बच्चों का कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वो स्टेट कराएगा कि सेंटर कराएगा? देखो भाई, स्टेट वाला यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी अपने यहाँ आसानी से मान्य कर लेती है कि आप किसी स्टेट के हो, आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, आप ले आओ हम मान्य कर लेंगे। जैसे बीएचयू में यूपी का ही अगर बच्चा है तो स्टेट लगाएगा तो मान्य कर लेगा, लेकिन यही बीएचयू अगर आप झारखंड बिहार से आते हो तो कहेगा नहीं हमें सेंटर चाहिए। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग इन पचड़ों से बाहर आ जाओ, आप एक सेंटर का बनवा लो, साफ सुथरा रहेगा, हर जगह मान्य हो जाएगा, तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहीं पे बच्चों का एक डाउट आता है नेम एरर वाला, कुछ लोग मुझसे पता है क्या बोलते हैं बार बार कि सर हमारा नाम गलत है, हमने सीयूटी के फॉर्म में अदिति में डबल आई लिख दिया, ऐसा एक केस आया था मेरे पास, और अब हमें अपना नाम यूनिवर्सिटी में सही कराना है। तो देखना यूनिवर्सिटी के ऊपर, अब इसमें आपका एडमिशन थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, एकदम निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। यूनिवर्सिटी जब पोर्टल स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे आप लोग उसको सही फिलअप कर लेना। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ एक एरर करेक्शन का अलग से फॉर्म ही देता है। ठीक है, जैसे आपने पूरे प्रोसेस को पहले होने दिया जैसे था वैसे, गलत नाम से भी होने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपना नाम सही कर सकते हो और उससे रिलेटेड आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर बच्चे ही होंगे, ऐसा नहीं हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि गलत नाम भर दिया, तो बच्चे प्लीज जो भी बच्चे हैं ध्यान दें कि वो अभी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब वो मेरे वीडियोस देखना, आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को स्पेशली गाइड कर दूंगा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे और भी है, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर अचानक से कुछ गड़बड़ी हो गया और बैकअप ले लेते हैं, यानी कि हम फिर से रिफ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे, ऐसा गलती मत करना। वो डेटा उनके पास आधा भरा पूरा भरा सब एक काउंट हो जाता है, तो ऐसे में आप फॉर्म एक ही बार फिलअप करें लेकिन करेक्ट फॉर्म फिलअप करें। खरे बात की बात है, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा जब फॉर्म आएगा तब। तो काउंसलिंग की पूरी कहानी है, उसमें आप एक बार समझ गए होंगे जो मोटी मोटा चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी मैं समझा दिया। इसके बाद हॉस्टल को लेकर जो बार बार प्रॉब्लम आती है, ये सबको नहीं मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी में लगभग नहीं मिलता है, कुछ जेएनयू है देता है, बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज, कुछ बॉर्डर लाइन पे यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ हिल्स एरिया में यूनिवर्सिटीज हैं,
ठीक है, ये सब देते हैं। तो कुल मिला के हॉस्टल का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी में जाके भी होता है। फॉर्म में अगर आपको दिखा यस नो करने का तो कर लिए, बाकी जब आपका एडमिशन हो जाता है वहां जाते हो पता करते हो तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ इस तरीके का प्रोसेस है, वो हॉस्टल आपको देता है नहीं देता है, या देता है तो कैसे देगा। ठीक है, बीएचयू में जहां तक बात है तो यहाँ समझ लो कि 30% लोग को ही हॉस्टल मिलता है। पीएच जो होते हैं, जो पीएच बच्चे होते हैं, इनको 100% मिलता है। पीएच मतलब जो दिव्यांग बच्चे हमारे हैं, जो छात्र हैं, इन बच्चों को किसी विश्वविद्यालय में लगभग 100% जो है आवास मिलता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर इस कहानी में कुछ अधूरी बातें रह गई हैं, कोई करेक्टर आपको नहीं समझ में आया है तो